सिटी ऑफ जॉय में इंडिया ने जीता पहला मुकाबला, इंडिया 1 वेस्ट इंडीज 0। हैशटैग आकाशवाणी। और जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो हम सबने क्या सोचा, आपने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, हम सब ये सोच रहे थे कि जितना छोटा होगा मुकाबला उतना कंपेटिटिव होगा मुकाबला, और खास तौर से वेस्ट इंडीज T20 क्रिकेट, दे आर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल, बड़े कमाल की करते हैं बल्लेबाजी, बड़ी कमाल की गेंदबाजी, और डिफेंडिंग वर्ल्ड T20 चैंपियंस हैं यार, लेकिन वो उस अंदाज में खेले नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्टली वो जो ईडन गार्डन्स की पिच है ना, वो उस पर थोड़ी सी घास ज्यादा हो गई है आजकल, उस पर बॉल भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा जाता है। इंडिया वन द टॉस, अ गुड टॉस टू विन, और बॉलिंग की पहले, और एक बड़ी खबर ये थी कि उमेश यादव खेल रहे थे, खलील खेल रहे थे, इंडिया के पास दो डेब्यूटांट्स थे, क्रुणाल पंड्या को भी मौका मिला, भुवनेश्वर कुमार उनके थोड़े पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से होटल से वो मैदान पे ही नहीं आए, सो ही टुक अ ब्रेक, ही माइट जस्ट बी अवेलेबल एट लखनऊ। उमेश यादव ने शुरुआत की और पहला विकेट उन्होंने चटकाया, दिनेश ने कैच पकड़ा, कार्तिक कर रहे थे कीपिंग, दैट वाज आल्सो स्लाइटली सरप्राइजिंग नो, क्योंकि अगर कार्तिक कीपिंग कर रहे हैं तो पंत तो बेहतर कीपर है, मतलब पंत से बेहतर फील्डर है वो, और पंत को अगर सेकंड विकेट कीपर के रूप में रख रहे हैं तो फिर वो कीपिंग क्यों नहीं कर रहे, वेल दैट्स फॉर द टीम टू डिसाइड, लेकिन उन्होंने कैच पकड़ा, उन्होंने बाद में फिर कैच पकड़ा, वो बुमराह की गेंद पे वो भी अच्छा कैच पकड़ा, कुल मिला के लगातार विकेट्स गिरते रहे, एक रन आउट भी हो गया, और ऐसा लगा मुझे कि जब हम टेस्ट क्रिकेट कवर कर रहे थे दो टेस्ट मैचेस, हमने कहा यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, T20 की तरह क्यों खेल रहे हैं, अब जब T20 का मैच कवर कर रहे थे तो ऐसा लगा कि यार तुम T10 की तरह क्यों खेल रहे हो यार, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। दे लुक्ड इन अ लिटिल बिट ऑफ अ हरी, बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा सा बदलाव चाहिए, रामदीन शुड नॉट बी ओपनिंग, ओपन करना चाहिए डैरन ब्रावो को, कार्लोस ब्राथवेट नंबर 7 इज टू लो फॉर यू कैप्टन, यू शुड बैटिंग स्लाइटली हायर अप द ऑर्डर। तो ये तो थी वेस्ट इंडीज की बात, डैरन ब्रावो इज अ गुड बैट्समैन तो उनको थोड़ा ऊपर खिलाइए। इंडियन बॉलिंग यार, खलील वेरी वेरी इंप्रेसिव, डेब्यू पैसा लगाने डेब्यू है, अंदर की तरफ गेंद, बाहर की तरफ गेंद, थोड़ा सा स्लोअर वंस, बाउंसर्स, गुड टेम्परामेंट, वेरी वेरी गुड। उमेश यादव लीकिंग टू मेनी रन, ये थोड़ा सा दोबारा सोचना पड़ेगा कि आप इनको क्या T20 क्रिकेट में, वन डे क्रिकेट में आर यू गोइंग टू कंसिडर हिम, दैट्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर ओवर, क्योंकि जैसे भूवी आएंगे ना मुझे लग रहा है कि उमेश बाहर जाएंगे, खलील जो युवा है पहला मैच खेल रहे हैं, ही विल बी प्लेइंग अहेड ऑफ उमेश हु इज बीन अराउंड फॉर अ वाइल, दैट्स अ क्वेश्चन। बट कुलदीप की गूगली को कोई पढ़ ही नहीं पाया यार, गूगली की चुगली किसी ने की नहीं है, 3 विकेट उन्होंने चटका दिए, क्रुणाल पंड्या थम्स अप, पहला ओवर में 10 रन लेकिन फिर 3 ओवर में मात्र 5, 4 ओवर 15 रन, एक बड़ी सफलता, सफलता किसकी थी, बड़ी मछली कारण पोलार्ड, सो इनका अच्छा डेब्यू हुआ, 109। आई थॉट अब तो बड़ा आसान होगा, अब रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे, रोहित गार्डन्स पे थे भाई आफ्टर ऑल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो शेन थॉमस, उन्होंने उनको भी आउट किया, शिखर धवन को भी, इनफैक्ट शिखर के खिलाफ इसे 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में उनको आउट किया, 2 बार प्लेड ऑन, 1 बार क्लीन बोल, लखनऊ में बच के रहना पड़ेगा शिखर आपको, इनसे निखरना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये श्रृंखला अच्छी जा नहीं रही, ये दौरा ही अच्छा नहीं जा रहा है। देन KL राहुल लुक डल रस्टी, वही हाल था पंत का, पंत बैड शॉट, can't play that shot, so you have to be slightly more careful, आप वो शॉट नहीं लगा सकते। देन मनीष पांडे लुक डल रस्टी, इन द एंड इंडिया वन द गेम, क्रुणाल पंड्या 9 balls 21 runs, सो वेल डन दिनेश कार्तिक, वेल प्लेड, इंडिया इज नाउ अहेड। अब देखते हैं कि क्या छोटी दिवाली के दिन इंडिया 2-0 से श्रृंखला को जीत जाएगा या फिर वेस्ट इंडीज करेगा पलटवार, आपको क्या करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, करो करो।